Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Pyare bachcho akal ke bachcho masam pyare tiki tiki chale idhar chale bachcho ab idhar rakhiye haan aap idhar rakhenge sare shall we start yes sir shall we start yes sir sare shall we start yes sir so now today our topic is the most important chapter of your science textbook is food production and management. Food production and management. Food production and management. सबसे पहले बेटे बस इस चैप्टर की मीनिंग उसके बाद बेटे हम इस चैप्टर के बीच में घुस जाएं और याद रखना मैं पहले ही बता के रख जिसको गरज नहीं है वो पहले ही बाहर निकल जाओ वरना तो मुझे बीच में उसको उठाना ना पड़े और लिखेगा बीच में कोई भी बच्चा नहीं पहले समझना उसके बाद बेटे बाद में आप लिख सकते हैं सारे अपनी टेक्स्ट बुक ये सारा बंद नोटबुक वगैरह बंद सारे सारे बंद कीजिए तो बेटे टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट सबसे पहले आप इधर देखिए इस चैप्टर की मीनिंग क्या है इसके बाद हम चैप्टर के बीच में से घुस जाएंगे बेटे जो गुजा है उसकी प्रोडक्शन उसकी मकदार आपको बढ़ानी है और उसको कैसे आप मैनेज करते हो मैनेज का मतलब आप बेटे आपको पता है इतना दुनिया में आज 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन है पहले जमाने में वक्त ऐसा था जब बेटे लोग कम थे और जमीन से गल्ला भी कम निकलता था जमीन से फसल भी कम निकलता था और बेटे साथ साथ वक्त आगे चलता गया और लोग भी उनकी पॉपुलेशन भी बढ़ती गई जब बेटे पॉपुलेशन बढ़ती गई फाइनली हुआ ये कि दुनिया में एक क्राइसिस उठ गई एक शोर मच गया वो बेटे फूड की क्राइसिस है कि गुजा कम होने लगा अब बेटे मेरे मसला ये है तो गवर्नमेंट ने तकरीबन बेटे वर्ल्ड वाइड और अनाउंसमेंट्स बाकी वगैरह और प्रोग्राम्स होते हैं इस पे बेटे वो ये सेमिनार्स होते हैं कि जो फूड जो है इसकी प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ाएं फूड की मकदार आप कैसे बढ़ाएं क्योंकि लोग बढ़ गए और आज आपको फूड की मकदार भी बढ़ानी है पहले जमाने में घर में 4 से 5 फैमिली मेंबर्स रहा करते थे आज बेटे आदिवासी लोगों या जो नोमैड्स हैं या जो ट्राइबल्स हैं बेटे तो उनमें आज उनके घरों में 15-15 से 20-20 फैमिली मेंबर्स होते हैं दैट मीन्स एक घर में पहले जमाने में मेंबर्स कम फूड की डिमांड भी कम थी आज फैमिली मेंबर्स ज्यादा हो गए और फूड की डिमांड भी आज ज्यादा है समझ आ रहा है yes. तो बेटे पहले जमाने में पॉपुलेशन कम थी आज दुनिया में 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन दैट मीन्स मोर देन 7 बिलियन पॉपुलेशन आज दुनिया में इस 7 बिलियन प्लस पॉपुलेशन को बेटे 4 वक्त की रोटी चाहिए 2 वक्त की नहीं 4 वक्त की रोटी और कश्मीरी को 11 बजे की चाय यानी कि 5 वक्त की रोटी चाहिए होती है समझा चले बेटे आगे जाते अब बेटे अब मसला दुनिया में जो क्राइसिस उड़ गई ना दुनिया में शोर मच गया फूड कम होने लगा तो वर्ल्ड वाइड सेमिनार्स किए गए इस फूड की प्रोडक्शन इसकी इसको आप कैसे मैनेज करोगे फूड की प्रोडक्शन आप कैसे बढ़ाओगे कि दुनिया में फूड बहुत ज्यादा निकलना चाहिए और बेटे क्राइसिस भी नहीं उठनी चाहिए लोग भूखे भी नहीं रहने चाहिए बच्चे भूखे नहीं मरने चाहिए बेटे इस क्राइसिस को दूर करने के लिए ये चैप्टर इसलिए आपकी बुक में रखा गया है ताकि बेटे आपके जहन में ये बात आ जाए कि फूड की पैदावार फूड की प्रोडक्शन और अनाज को कैसे आप डेवलप करोगे और क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं क्या क्या करना होता है अनाज को डेवलप करने में और बेटे हाउ टू स्टोरेज ठीक है ना और स्टोरेज यानी कि हाउ टू स्टोर इट आप स्टोर कैसे फिर इसको करोगे वो बहरहाल वो चैप्टर के बीच में से आप देखोगे कि जो जमींदार लोग होते हैं या जो ट्राइबल्स होते हैं या बेटे मैं आपसे बताऊंगा जो फार्मर्स होते हैं जो अनाज यानी कि उगाते हैं ठीक है जो जमींदार लोग होते हैं वो अपनी फसल अपनी जमीन में उसकी पैदावार वो कैसे बढ़ाते हैं समझ आया बेटे चलिए बेटे
तो बेटे हम इसी चैप्टर के साथ डील करेंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे आगे जाके भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो एग्रीकल्चर क्या होता है, उसके बाद हम चैप्टर के आगे और जाएंगे। तो एक टर्म है बेटे एग्रीकल्चर, और हमारा बेटे हमेशा यही शेड्यूल भी रहता है कि जब भी हम चैप्टर उठाते हैं हम बेसिक टर्मिनोलॉजी को पहले इख्तिताम करते हैं। एक टर्म है बेटे, उसका नाम है एग्रीकल्चर। देखिए मेरे बच्चे एग्रीकल्चर क्या होता है। एग्रीकल्चर, एग्री का मतलब होता है असल में प्लांट्स वगैरह, पैदावार। कल्चर मीन्स टू कल्टीवेट, बढ़ाना। तो एग्रीकल्चर बेटे ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, ये साइंस का एक ऐसा हिस्सा है, ये साइंस की एक ऐसी बुक है जिसमें बेटे यानी कि एक ऐसी बुक है जिसमें आप पढ़ते हैं कि फूड को आप कैसे बढ़ाएं, फूड की पैदावार आप कैसे बढ़ाएं। तो इन शॉर्ट वर्ड्स नाउ आई कैन से एग्रीकल्चर का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ फूड, प्रोडक्शन ऑफ। जमीन के अंदर सीड्स को बोना, जमीन के अंदर सीड्स का डालना, फिर बेटे वहां से फसल का निकलना और उस फसल का इस्तेमाल करना, बेटे इस चीज को हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, इस साइंस को हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर ये वो साइंस होता है जिसमें आप पढ़ते हैं जमींदारी के मुतालिक, जिसमें आप जमींदारी के मुतालिक सीड्स को कैसे बोते हैं जमीन में, कैसे हाउ वी सो द सीड्स इनसाइड सोइल, फिर उसके बाद इन सीड्स की पैदावार कैसे की जाती है, इनको कैसे पानी दिया जाता है, इनको कैसे महफूज रखा जाता है, इनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, कैसे हम इसको खाद डालते हैं, कैसे हम इसको इरिगेशन करते हैं, उसके बाद कैसे इन सीड्स को इस फसल को काटता होता है, फिर उसके बाद कैसे इन सीड्स को हासिल करना होता है, फिर सारा किसमें आता है। दीज आर द प्रैक्टिसेस ऑफ एग्रीकल्चर। समझ आया बेटे? तो एग्रीकल्चर ये वो साइंस होता है जिस साइंस में हम पढ़ते हैं जमींदारी के मुतालिक, या जिस साइंस में हम किसके मुतालिक पढ़, काश्तकारी के मुतालिक, या जिस साइंस में हम पढ़ते हैं यानी कि उसके मुतालिक जहां पे किसके मुतालिक, जब हम जमीन के अंदर बीज को बोते हैं फिर वहां से जो गला निकलता है इसके मुतालिक पढ़ना, इसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर। क्लियर मेरे बच्चे? जवाब दो ना, दवाई तो दो ना। चले बच्चे इधर क्या, अब मसला है बेटे ये एग्रीकल्चर जो है ये कैसे स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। ये एग्रीकल्चर, गल्ला जमीन में निकलना, फसल जमीन में निकलना, फूड जमीन में निकलना, सबसे पहले दुनिया में कहां से स्टार्ट हो गया, किसने एग्रीकल्चर का काम स्टार्ट किया। असल में इन द विजन ऑफ एंड इन द लाइट ऑफ इस्लाम सबसे पहले इट वॉज परफॉर्म्ड बाय अवर फादर, अवर ग्रैंड फादर या अवर फादर, ठीक है ना, दैट्स नोन एज हजरत आदम अलैहिस्सलाम। बेटे आदम अलैहिस्सलाम ने ही परफॉर्म्ड इट, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। तो बेटे अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया था ऐसे करने को, ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस एग्रीकल्चर का काम को सबसे पहले दुनिया में अंजाम दिया, ठीक है बेटे। चले आगे जाते हैं। तो बेटे याद रखिए एग्रीकल्चर अगर साइंस के हिसाब से हम देखेंगे, सबसे पहले जो नोमैड्स थे, आपको पता है नोमैड्स क्या होते हैं, नोमैड्स क्या होते हैं, NOMADS, nomad। आपने एक nomad एक वर्ड सुना होगा जरूर, कहाँ पे देखा? और एक जगह आपने देखा होगा, चलिए छोड़िए बेटे बस। हाँ तो nomad आपको पता है nomad किसको बोलते हैं, nomad होता है असल में बेघर इंसान, बेघर इंसान जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जिसका कोई घर नहीं होता है। सर क्या मतलब, सुनिए मेरे बच्चे, आपको पता है जो अगर कुछ लोग या कोई बंदा या कुछ लोग आज यहां पे हैं, यहां पे हैं, उसके बाद बेटे वो क्या करते हैं दूसरी जगह, फिर यानी कि दूसरे दिन वो किसी और जगह रहने के लिए जाते जहां उनको फूड मिलता है, तीसरी जगह वो कहीं और जाते हैं जहां उनको फूड मिलता है, फिर कहीं और जाते हैं जहां उनको फूड मिलता है, ऐसे ही जिंदगी भर वो घूमते रहते हैं जिनका कोई घर नहीं होता है। जो बेघर होते हैं बेटे उनको हम नोमैड्स बोलते हैं। बकरवाल को देखा है, आज एक जगह कल दूसरी जगह, जहां पे उनको फूड शेल्टर, जहां पे बेटे उनके कैटल्स को फूड वगैरह मिलता है और वो वहीं पे ठिकाना अपना बसाते हैं, बेटे उनको भी हम नोमैड्स बोल सकते हैं। समझा? सबसे पहले एग्रीकल्चर को इन्हीं नोमैड्स ने स्टार्ट किया था। और बेटे कैसे किया था, असल में एग्रीकल्चर का साइंस कहता है कि नोमैड्स जब एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और ज्यादा पसंद करते थे
वहां पे रहने को पसंद करते थे जहां पे पानी और हवा अच्छा हुआ करता था, यानी कि जहां से दरिया हुआ करता था, दरिया के तब बचिस पैसे सुन बेहान दरिया के उस किनारे पे रहा करते थे। कहते हैं बेटे ये दरिया का किनारा है, नोमैड्स आते थे या अपना घर यहाँ पे बसाते थे, घर मीनस टेंट शेंट वगैरह कुछ खेमा शेमा लगाते थे और बैठते थे, ठीक है यहाँ पे। और बेटे उसके बाद इन्होंने ये क्या करते थे, ये कुछ बीज कुछ सीड्स यहाँ पे डालते थे, सीड्स यहाँ पे डालते थे, पानी उठाते थे और इसी में डालते थे यहाँ पे। जब डालते थे बेटे यहाँ पे पानी, उसके बाद इन सीड्स को पानी डालते और यहाँ से फसल निकलती थी, फिर इस फसल को इस्तेमाल करते थे, फिर उठते थे और किसी और जगह जाते थे, फिर किसी और जगह जाते। दैट मीन सबसे पहले एग्रीकल्चर का जो यानी कि रोल है वो इन्होंने ही पहले निभाया है, इन्होंने ही पहले इसका आगाज किया है, किन्होंने, नोमैड्स। बहरहाल छोड़िए इस चीज पहले, अब हम सबसे पहले ये डिटेलिंग की नहीं देख रहे हैं, हमें सबसे पहले देखें एग्रीकल्चर में सबसे पहले किस क्रॉप को उगाया जाता है, किस क्रॉप को उगाया जाता है, किस क्रॉप की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मेरे बच्चे आपको पता है मैंने एक टर्म यहाँ पे इस्तेमाल किया क्रॉप, ठीक है, हम देखेंगे पहले क्रॉप हम किसको बोलते हैं या क्रॉप किसको बोलते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चे जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे शायद इंशाल्लाह आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बट बेटे मैंने लास्ट बहुत सारे सालों से देखा कि जब चैप्टर पढ़ते थे फिर भी बच्चे लास्ट में बोलते थे सर ये वाला ट्री ये वाला जो फूड है ये क्रॉप्स में आता है या नहीं आता। इन शॉर्ट बेटे एक चीज याद रखना, क्रॉप किसको बोलोगे और किसको नहीं बोलोगे। देखिए बेटे किसको आप क्रॉप बोलोगे, आज से याद रखना क्रॉप प्लांट्स कौन होते हैं, नॉन क्रॉपी प्लांट्स कौन होते हैं। क्रॉप प्लांट या क्रॉप्स वो वाले प्लांट्स होते हैं बेटे, ये वो वाले प्लांट्स होते हैं जो एक फील्ड में, जो एक फील्ड में बहुत सारे प्लांट्स जो लगाए जाते हैं। क्रॉप्स ये वो प्लांट्स हैं जो किसी खेती में बहुत ज्यादा लगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। मेरा मतलब है क्रॉप्स का मतलब ये वो प्लांट्स हैं जो एक फील्ड में बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं, समझ आए बेटे, तो इनको हम क्रॉप्स बोलते हैं। एक फील्ड में इनको बहुत ज्यादा लगाया जाता है और लगाने के बाद फिर इनसे अगर फूड निकलता है बेटे इनको हम क्रॉप्स बोलेंगे। देखिए राइस, राइस का एक ही प्लांट हम लगाते हैं, हम लाखों में प्लांट्स लगाते हैं, लाखों में राइस के प्लांट्स होते हैं और लंबी खेती में क्या होते हैं, लंबी खेती में करोड़ों किस्म के राइस के प्लांट्स होते हैं ना।